सप्तऋषि से काल का हाल लिखन लगे सारा। पहली बात में कवि ने लिखा, ध्यान से सुनने की बात, कि पहले एक एक बाप की आठ आठ नौ नौ संतान होया करती से सुनो, आठ आठ नौ नौ संतान एक बाप की होया करती, और वो एक बाप आठ नौ संतान का पेट बड़े प्यार से भरता। लेकिन कलयुग में एक बाप की सिर्फ दो संतान होंगी, लेकिन फिर भी क्या करना मुश्किल होगा, क्या बताया पहली बात में। रहेगा कौन कौन सी चीजें और लुप्त होंगी, हाँ।
हवन उपनीति का कोई जाननिया न थावेगा। लेकिन कलयुग में दो चीजों की बड़ी भरमार रहेगी, एक मदिरा नशा, मदिरा नशा मांस का खाना लोगों को नहीं शर्मावे काले, मदिरा नशा मांस का खाना कोई नहीं शर्मावे काले। ये तो संध्या तर्पण हवन छूट जा हे रे 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 रे, ये तो संध्या तर्पण हवन छूट जा किसी वस्तु चाकी पारा रे। वेद व्यास जी कलु काल का यो हाल लिखन लगे सारा रे, वेद व्यास जी कलु काल का यो हाल लिखन लगे पवित्र प्रेम माना जाता है, सबसे पवित्र प्यार माना जाता है, भाई बहन का प्यार माना जाता है सजन। लेकिन कलयुग इस भाई बहन के प्यार को भी नहीं छोड़ेगा। भाई बहन के प्यार का भी क्या होगा कलयुग में, किस चीज में बदलेगा? छल के कारण बल घट जाता, छल के कारण बल घट जाता और पाप की जीत रहेगी। दो दो दिन की यारी होना सच्ची प्रीत रहेगी और बहन भाई के बहन भाई के चल मुकदमे और बिगड़ी नींद रहेगी। अरे खान पान पहरान बदल जा इसी उल्टी रीत रहेगी। मारी ताई हर लंबा घूंघट कर कचाले करती, औरत शर्म करती, लेकिन आज मर्द को शर्म करनी पड़ती है। क्यों? ये ते पीर उखाड़े सरहाने की हे रे 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 रे, लोगो पीर उखाड़े कि दुनिया पे राज किसका होगा, राज किसका होगा, कौन मंत्री बनेंगे? श्री लक्ष्मी चंद्र
रहत है लक्ष्मी चंद छतरा पण जागा, पहे लक्ष्मी चंद छतरा पण जागा, और पीर का राज रहेगा। आज भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति होता है वो कौन है? एक औरत। वहां मत जाइए, किसी के घर को देख लीजिए, आज हर घर के अंदर औरत का राज है। अरे कहे लक्ष्मी चंद छतरा पण जागा, कहे लक्ष्मी चंद छतरा पण जागा, और पीर का राज रहेगा। ये ते हिजड़े मनिस्टर, हिजड़े मनिस्टर बढ़िया करेंगे सिर नीच के ताज रहेगा। अरे कोर्ट कचहरी चले मुकदमे झगड़ा बेअंदाज रहेगा। एक भाई ने भाई ना चाहे